मॉर्निंग क्लास, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। इससे पहले जो है अपने डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में पढ़ लिया था। डबल फर्टिलाइजेशन की और ट्रिपल फ्यूजन की तरफ हमने देखा था कि तो जायगोट फॉर्म हो रहा था रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन is zygote and endosperm। ये बता रही है एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म हो रही है, राइट? एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म हो रही है, जब जायगोट जो है, जैसे ही मतलब कि सपोज दैट दिस इज द ओव्यूल, ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर दिस इज सेवन एंड एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर। ऊपर की तरफ जो है एंटी प्रोडक्ट्स पाई जा रही है, नीचे पोलर न्यूक्लिया है, नीचे जो है सिनर्जिड सेल एक्सेल है, राइट? यहाँ से जो है पोलर ट्यूब आ गई है, फोटोगैमेट प्रोसेस के थ्रू जो मेल गैमेट से अंदर जा रहे हैं, एक मेल गैमेट इससे फ्यूज हो जाता है, एक मेल गैमेट जो है एक्सेल से फ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे दैट इज ट्रिपल फ्यूजन, बिकॉज पोलर न्यूक्लिया इज ऑलरेडी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर एंड वन न्यूक्लियस इज ऑफ दिस मेल गैमेट, तो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। और ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट से हमेशा क्या बनती है, एंडोस्पर्म फॉर्म होती है। सो एंडोस्पर्म जो है एक प्रकार का रिजर्व फूड मटीरियल है, दिस इज रिजर्व फूड मटीरियल। This is the kind of reserve food material जो कि जो embryo या zygote जो भी develop हो रहा है during that developmental phase, it provides continuously nutrition। Continuously जो है ये nutrition provide कराने का काम करता है, right? जब तक कि zygote wrap जो है उसके अंदर divisions या फिर embryo formation, seed formation नहीं हो जाए, उसके बाद में जो है ये end up हो जाता है। Basically जो endosperm है that is divided into three types। Number one is pre-nuclear endosperm, सेकेंड इज सेलुलर एंडोस्पर्म एंड थर्ड इज हैलोबियल एंडोस्पर्म। सबसे पहला है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकेंड सेलुलर एंडोस्पर्म एंड थर्ड इज हैलोबियल एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में बात करते हैं। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब कि जस्ट लाइक वी टॉक अबाउट सपोज दैट कि ये एम्ब्रियो सैक है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुके हैं। अब व्हाट हैपेंस, ये जायगोट है, इस जायगोट के अंदर ये जायगोट कंटिन्यूसली मिल सकते हैं न्यूट्रिशन, और यहाँ पे ये क्या है, एंडोस्पर्म। व्हाट इज दिस, दिस इज एंडोस्पर्म, दिस इज ट्रिप्लोइड सेल। कैसे सेल है ये, ट्रिप्लोइड, एंड दैट इज जायगोट। इसमें क्या होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर, कि इसके अंदर जो एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस है That will rapidly divide. ये तो continuously जो है divide करता रहेगा, but जो है cytoplasm जो है वो divide नहीं करता है। मतलब कि इसके अंदर karyokinesis का phenomena तो होता है, nucleus are continuously dividing, rapidly dividing, but cytoplasm is not dividing. मतलब cytokinesis नहीं होता है, karyokinesis is taking place inside this, but cytokinesis is not. और इसी के चलते जो है इसके अंदर एक liquid सा substance बन जाता है, इसी के चलते जो है free nuclear endosperm को लिक्विड एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज लिक्विड एंडोस्पर्म। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जो है दिस इज अ काइंड ऑफ एंडोस्पर्म, और इस एंडोस्पर्म के अंदर न्यूक्लियस रैपिडली डिवाइड कर रहा है, कैरियोकाइनेसिस इज टेकिंग प्लेस, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, सेल्स फॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, एंड दैट इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेकेंड आता है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेकेंड क्या आता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि सपोज दैट दिस इज जायगोट एंड दिस इज एंडोस्पर्म, इसके अंदर ये एंडोस्पर्म के अंदर कैरियोकाइनेसिस भी हो रहा है और साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है। इट मींस कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों की दोनों प्रोसेस हो रही है, और एक सॉलिड मास सा बन जाता है, सेल मास बन जाता है, right? That is known as cellular endosperm. That is basically found in verbasculum or valeria. Verbasculum or valeria के अंदर जो है ये देखने को मिलता है, ये cellular endosperm. It means देखो pre-nuclear endosperm और cellular endosperm में केवल इतना सा डिफरेंस है कि division यहाँ पे भी हो रहा है, but यहाँ पे केवल जो है karyokinesis हो रहा है, cytokinesis नहीं हो रहा है। यहाँ पे karyokinesis के अलावा cytokinesis भी हो रहा है, both phenomena are taking place over there, right?
इसके बाद में नेक्स्ट आता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है कि ये जो है एंडोस्पर्म रैपिडली डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करने के बाद में सेल मास सारा नीचे डिपोजिट हो रहा है, एक अलग से जो है शेप बन जाती है। बेस के अंदर कंप्लीटली एंडोस्पर्म डिपोजिट हो जाता है। डिपोजिट होने के बाद में जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है दैट स्ट्रक्चर इज हेलोबियल एंड ड्यू टू दिस दिस एंडोस्पर्म इज नोन एज हेलोबियल एंडोस्पर्म, दैट इज नोन एज हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म इज बेसिकली फाउंड इन मोनोकोट्स, ये किस में पाया जाता है, मोनोकोट सीड्स के अंदर पाया जाता है। सो एंडोस्पर्म जो है न्यूट्रिएटिव टिश्यू होता है। न्यूट्रिएटिव टिश्यू के अलावा दिस इज अ काइंड ऑफ रिजर्व फूड मटीरियल जो कि कंटिन्यूसली डेवलपिंग जायगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता रहता है। ऑलराइट, बेसिकली इट इज ऑफ थ्री काइंड्स, प्री न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल। प्री न्यूक्लियर के अंदर ओनली न्यूक्लियर डिवीजन इज टेकिंग प्लेस, सेलुलर एंडोस्पर्म बोथ काइंड ऑफ डिवीजन आर टेकिंग प्लेस, बोथ काइंड ऑफ डिवीजन तो बोथ प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस, कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस। एंड हेलोबियल के अंदर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों होते हैं बट सेल मास नीचे डिपोजिट हो जाता है, दैट इज हेलोबियल। एग्जाम्पल इज मोनोकोट। अभी इसके अलावा जो है एक टर्म है दैट इज पेरिस्पर्मिक सील। What is that? Perispermic seed. Perispermic seed क्या होता है? Zygote बन गया है, embryo बन गया है, embryo से फिर क्या बनेंगे? Obviously seed बनेंगे। बट कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिनके अंदर न्यूसिलस, न्यूसिलस आपको याद आ रहा है क्या कि मैंने बोला था कि ओव्यूल के अंदर एक सेल मास पाया जाता है। ओव्यूल जो है कम्प्लीटली सेल से भरी हुई होती है, तो जो अंदर जो भी सेल मास पाया जा रहा है कलेक्टिवली दैट इज नोन एज न्यूसिलस। जनरली सीड जैसे फॉर्म होता है न्यूसिलस कम्प्लीटली यूज्ड अप हो जाता है, न्यूसिलस रिमेन नहीं रहता है। बट कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिनके अंदर न्यूसिलस भी पाया जाता है। Seeds carrying nucellus. Seeds carrying nucellus are known as perispermic seed. उन सीड को जो है अपन perispermic seed बोलते हैं and its examples are like chili. Chili in the sense capsicum. Right? Capsicum या chili जो है इसका example है। So, आज अपन ने बात कर ली है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के अलावा काइंड्स ऑफ एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म। वी हैव टॉक्ड अबाउट पेरिस्पर्मिक सीड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ लेते हैं व्हाट आर पेरिस्पर्मिक सीड। ऐसे सीड्स जिनके अंदर न्यूसिलस भी रिमेन्ड होता है, सीड्स आर नोन एज पेरिस्पर्मिक सीड, एग्जाम्पल चिली और कैप्सिकम। राइट, सो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि हाउ एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, मोनोकोट्स और डायकोट्स सीड्स के बारे में। राइट, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।